ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 5 मई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्ची, तुम्हारा लव एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ हैं, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान उवाच, मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं, वैशालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिके लधे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महान आत्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो अहम जो कहते हैं, वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान हैं, वह भी आत्मा ही हैं, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों से उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों को बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं, बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे में लव हो जाएगा। समझेंगे, इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप हैं। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो, तुम्हारा बाप कौन, आखिरन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो
उन सब बापों का बाप है ज़रूर, हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं। यह है ऊंचे ते ऊंचा बाप, तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी, दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसा कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था, अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट में आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाप के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए, बाप हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, हमको देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती हैं तो जेवर आदि पहनती हैं तो मुखड़ा ही खिल जाता है, वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए, तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं, अंदर में अथा खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते हैं। वह कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते,
अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता हूँ। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़ी बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए, बाप कहते हैं दोनों करो। संन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई को एकदम जट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो जट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे वह क्या है, हमको तो बाप से राजाएं लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो, समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। पति तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है, नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहां नरम चीज़ देखता है तो डंक मार देता है,
पत्थर को डंक मार क्या करेगा, तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है, मेरे भगत कहाँ रहते हैं, शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भगत है ना, नंबर वन है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं, शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन में मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करें, जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े, सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या, यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नोंद है। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम अभी सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा है रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। आज बाबा ने वरदान दिया हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वरदान का डिटेल है कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होंगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है, कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है हार्डवर्क के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ओम शांति।